हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2.25। तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 2.25 आप देख रहे हैं, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, यानी 3D के सबशेल के किसी एक ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एल और एम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। हमें वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हमें पॉसिबल वैल्यू बतानी एन, एल और एम की। तो देखिए, 3D ऑर्बिटल कह रहे हैं, तो ये रहा हमारा 3D ऑर्बिटल, वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, 3D सबशेल है, ठीक है। अब जो आगे वैल्यू लिखी होती है वो हमें बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यानी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब बात करें अगर हम लोग एल की, ठीक है, एल जो होता है, एल की वैल्यू क्या होती है, तो एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। चाहे तो इस तरीके से लिखें, लेकिन अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर में आंसर लिख रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना ज़रूरी होगा। तो 0 to क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 3-1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 3 में से बन जाएगा कितना देगा 2, यानी कितना देगा 0, 1 और 2। नीचे हम क्या लिख लेते हैं, सबशेल एस पी डी। इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ होगा, डी में होगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी डी के लिए, ये वाली हो जाएगी, यानी एल की वैल्यू आ जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम बात करें अगर एम की, तो एम की वैल्यू क्या होती है, देखिए एम इक्वल टू होता है प्लस एल टू माइनस एल विद 0। अब माइनस एल टू प्लस एल भी कुछ बुक लिखती है, कुछ बुक प्लस एल टू माइनस एल भी लिखती है, दोनों ही सही। प्लस एल टू माइनस एल विद 0 चाहे तो लिख लीजिए, या विद 0 या इंक्लूडिंग 0। तो 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 इंक्लूडिंग 0, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। आप प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस टू प्लस लेके चलिए तो ज़्यादा ही दे देता है। अब देखिए, माइनस टू के बाद क्या आएगा, माइनस वन के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा प्लस वन के बाद क्या आएगा +2। तो डी में 5 ऑर्बिटल भी होते हैं, इसलिए हमारे पास 5 वैल्यू निकल के आएंगे। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है दैट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी वैल्यू इसमें पॉसिबल। यहाँ पे होगा तो -2, यहाँ होगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे होगा +2। ये पॉसिबल वैल्यू हो गई एन की, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एल, एम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन विल बी, एन की क्या हो जाएगी 3, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एंड एम की क्या हो जाएगी एनी वन ऑफ दिस, यानी एम की हो सकती है -2, -1, 0, +1 या फिर +2 हो सकती है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।